देखिए, एमोडायरम बिना पाई एमो का दो तरह से हो सकता है, एक कब जब लिगेंड डोनरेट लिगेंड हो, एक कब जब लिगेंड एक्सेप्टर लिगेंड हो। तो जब लिगेंड डोनर हो तो कैसा और लिगेंड एक्सेप्टर हो तो कैसा, ये हमको दो सेगमेंट में पढ़ना है। ठीक है भाई, देखें मैं बात कर रहा हूँ कि पाई एमोडायग्राम व्हेन लिगेंड इज पाई डोनर, पाई डोनर सिग्मा के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाई के सेंस में बात कर रहा हूँ। उस समय याद रखना, जब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होगा और मेटल के पास उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या करेगा, लिगेंड देगा मेटल लेगा। तो समझिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डाउन होगा, क्योंकि डाउन में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ये होगा डाउन और ये होगा अप। ये तो जानते हो आप, है ना, ये ऐसे नीचे रखा हूँ इसको अप रखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड वाला जो फील्ड है वो वाला भरा है और मेटल वाला खाली है, सही है। तो यहाँ से देखना, यहाँ पर जो भी है जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो बात की बात है, वो तो बाद में भर देंगे, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जो भी होगा T2g सिमेट्री यहाँ भी होगा, T2g सिमेट्री यहाँ भी होगी, तब पार्टिसिपेट होगा। अब चलिए याद करिए, मेटल के सिग्मा एमो डायग्राम में क्या पढ़े थे, सिग्मा एमो डायग्राम में हमने ये पढ़ा था कि जो T2g सेट होता है वो सिग्मा के सेंस में नॉन बॉन्डिंग था, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऐसे लिखा हूँ पहचान के लिए, और जो ईजी स्टार था वो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग था। फिर यहाँ T2g है वो लिगेन ऑर्बिटल है, अब वो चाहो आप लिगेन ग्रुप ऑर्बिटल बोल लो, आपकी मर्जी है, है ना। तो यहाँ आप LGOs बोल सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये दिस इज LGOs, पाई LGOs, और यहाँ पर मेटल ऑर्बिटल्स। अब वो कुछ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कुछ नॉन बॉन्डिंग है। तो आपको पता है एंटी बॉन्डिंग तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि वो सिग्मा में पार्टिसिपेट कर चुका है, जो सिग्मा बनाया वही पाई कैसे बनाएगा, वहाँ पर सिग्मा बनाने में ये भाग ले लिया था, अब ये पाई बनाने में भाग लेगा। तो क्या होगा भाई, इनके बीच कॉम्बिनेशन यहाँ से ऐसे ऐसा, अब कितने बनेंगे, तीन इधर से तीन इधर से, छह पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो छह नए बनेंगे, तीन बनेगा किसमें, बॉन्डिंग में, और तीन बनेगा एंटी बॉन्डिंग में, सही ऐसे आ रहा है क्या समझ में, एक दो तीन ऐसे, और ऊपर एक दो तीन इस तरह से। तो ये क्या हुआ, इसको नाम कैसे दूँ, इसको नाम कैसे दूँ, जरा देखिए T2g, अब मैं क्लेरिफिकेशन के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पाई, चलेगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ T2g, ब्रैकेट में लिखता हूँ पाई स्टार, ठीक है। ये अब यहाँ पर सो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये CFAC से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ का जो दो बॉक्स है उसको यहाँ पे सो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ईजी स्टार को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सिग्मा स्टार, आप ईजी स्टार बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। एक चीज़ और जानते हैं आप, जब हम सिग्मा एमओ पढ़ते थे तो यही हमारे लिए क्या होता था, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था। लेकिन जब आप याद रखना, लिगेंड अगर डोनर हो जाए, लिगेंड अगर डोनर हो जाए, तो डोनर हो जाए तो CFAC की वैल्यू घट जाती है, ये देखो लिगेंड से भी CFAC अफेक्टेड होता है। तो ये CFAC और ये CFAC को कंपेयर करो तो आप, तो CFAC डैश कर देता हूँ, यहाँ से एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि CFAC जो पहले था अज्यूम हो रहा था वो CFAC अब कॉम्प्लेक्स बनने, पाई बॉन्ड बनने के बाद उल्टा हो गया है। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पाई डोनर लिगेंड डिक्रीजेस द CFAC ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना, क्या कंक्लूजन निकला, पाई डोनर लिगेंड डिक्रीजेस द CFAC ऑफ द कॉम्प्लेक्स। CFAC की जगह लिख देता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिखता हूँ, क्योंकि बाद में कैलकुलेट होता है CFAC, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चलेगा, ये आपको याद रखना है, पाई डोनर लिगेंड डिक्रीजेस दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये बता रहा है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अब हम जब इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो यहाँ आएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ यहाँ के लिए कि पाई के सेंस में ये नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये पाई नॉन बॉन्डिंग बोला जा सकता है, लेकिन होए वो सिग्मा स्टार, और नेटरोलॉजी मत देना काफ़ी है, पर ये डायग्राम है आपके लिए फर्स्ट कैटेगरी का पाई बॉन्डिंग शो करते हुए, क्लियर है क्या, नोट करें।
आगे बात करता हूँ। अब पाई डोनर लिगेंड तो आप जानेंगे ना कौन कौन लिगेंड होता है, तो लिगेंड से पहचान लेना कॉम्प्लेक्स, है ना। चलिए,